रहस्य। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वो हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। चह जसपतस वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये कपोल कल्पना है। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था, 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटे बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वो मामा जी के घर आया था। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, ये बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठा कर मामा जी का फोटो लिया, फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गेंद के भी ये तस्वीर खींच लेता है, कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का ये अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वो लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए।
वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रहीं। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ ना जाए, उनका रहस्य ना खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहां अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है।